हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, और जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के पूर्ण पद प्रतियोगिता के अंदर कीमत के निर्धारण में समय तत्व के महत्व की व्याख्या कीजिए। Explain the importance of time element in the determination of price under perfect competition. अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो do like my video, इसको share कीजिए, comment कीजिए, like कीजिए और मेरे channel शशि अग्रवाल economics and law classes को subscribe कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के विद्यार्थियों को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह अर्थशास्त्र के यहाँ पे कस्टमाइज कोर्सेज भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर उपलब्ध हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के तहत जब वस्तुओं पर कीमत निर्धारण होती है तो उसके अंदर समय तत्व के महत्व को समझाएं, हमने ब्रीफली पहले पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताना है, फिर हमने बताना है समय तत्व, जैसे कि अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल, तो पहले इनको डिफाइन करना है, फिर इनके अंदर हमने बताना है कि कीमत का निर्धारण किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जिसके अंदर वस्तुएं जो होती हैं समरूप होती हैं। इसका मतलब है कहीं से भी खरीद लो, एक जैसी वस्तुएं ही होंगी, उनका कोई स्थानापन्न नहीं होगा, उनके बहुत सारे क्रेता तथा विक्रेता होते हैं, चीजें जो होती हैं एक रूप में होती हैं, समरूप होती हैं, विभिन्न विक्रेता जो सेलर्स होते हैं वो जो चीजें बेचते हैं उनकी वस्तुओं की इकाई में अंतर करना संभव नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु की कीमत है वो योग के द्वारा निर्धारित की जाती है, और ये जो प्राइस योग निर्धारित करता है उस दी गई प्राइस के ऊपर फर्में जितना मर्जी माल बेच दें। फर्में जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करती है। बाजार में वस्तु की एक ही कीमत पाई जाती है, फर्म जो होती है कीमत लेने वाली होती है, क्योंकि कीमत का जो निश्चित की जाती है वो उद्योग के द्वारा मांग और पूर्ति के द्वारा की जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो कीमत का निर्धारण होता है तो उसके अंदर समय तत्व का क्या महत्व है। देखो, वस्तु की कीमत वहां निर्धारित होती है जहां मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कीमत जो है मांग से प्रभावित होगी या पूर्ति से प्रभावित होगी, तो ये समय पर निर्भर करता है, क्योंकि कीमत को निर्धारण करने के लिए मांग और पूर्ति दोनों का होना जरूरी है। पर कीमत किससे ज्यादा प्रभावित होती है, मांग से या पूर्ति से, तो ये समय के ऊपर करता है। मार्शल के मुताबिक अवधि जितनी कम होगी उतना ही मांग का प्रभाव ज्यादा होगा, और जितनी लंबी अवधि होती है उतना पूर्ति का प्रभाव ज्यादा होता है। तो मूल्य के निर्धारण में समय तत्व का महत्व समझते हुए हम देख सकते हैं कि जो टाइम एलिमेंट है वेरी शॉर्ट पीरियड जिसको हम अति अल्पकाल कह लेते हैं, उसके अंदर जो बाजार कीमत निर्धारित होती है शॉर्ट पीरियड के अंदर सब नॉर्मल प्राइस, और उसी तरह ही लॉन्ग पीरियड के अंदर जो होती है नॉर्मल प्राइस होती है, वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर ट्रेड साइकिल उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अति अल्पकाल वेरी शॉर्ट पीरियड समय की वो अवधि है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को उसके वर्तमान स्टॉक से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। मान लो आपके कॉलेज के अंदर जो कंटीन है उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 50 रसगुल्लों का, और आपने अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी देनी है, उसमें आपको 100 रसगुल्ले चाहिए, तो वो आपको 50 रसगुल्ले ही प्रोवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पे जो पूर्ति होती है उसको वर्तमान स्टॉक से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। फर्म के पास इतना समय नहीं होता कि वो स्टॉक में किसी प्रकार की वृद्धि कर सके। अति अल्पकाल में पूर्ति जो होती है सीमित होती है, और यहाँ पे जो निर्धारित होती है वो बाजार कीमत होती है। किसी वस्तु का बाजार मूल्य जो किसी प्रचलित समय में बाजार में
प्रचलित होता है। जैसे अभी हम बाजार में जाते हैं, अगर हमने ये वस्तु खरीदनी है तो जो उसका वहां पे मूल्य होगा वो बाजार मूल्य होगा। और उसी तरह अल्पकाल जो है समय की वो अवधि है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को उसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब भी हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो उसकी एक क्षमता होती है, तो जैसे जैसे मांग बढ़ती है तो उसकी पूर्ति को हम उसकी उत्पादन क्षमता तक बढ़ा सकते हैं। अल्पकाल में कीमत निर्धारण पर पूर्ति की तुलना में मांग का अधिक प्रभाव होता है। जो कीमत निर्धारण होती है उसे हम उपसामान्य कीमत कहते हैं। लंबी दीर्घकाल, सॉरी, जो दीर्घकाल होता है जो कि लंबी अवधि होती है, ये वो समय अवधि को बताता है जिसमें बेसिकली वस्तु की मांग की बदली हुई स्थितियों के अनुसार वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। देखो यहाँ पे जो पूर्ति होता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है, और यहाँ पे जो कीमत निर्धारित होती है वो सामान्य मूल्य होती है। बहुत दीर्घकालीन, बहुत लंबी अवधि जो होती है जिसमें मांग और पूर्ति दोनों में बुनियादी परिवर्तन आ चुके होते हैं, जैसे जनसंख्या आकार बदल जाता है, उसके स्वाद और आदतें बदल जाती है, जैसे आने वाले 10 सालों में हमें नहीं पता किस तरह की मांग और पूर्ति होगी। जो पूर्ति होती है वो अति मतलब जो उत्पादन की तकनीकों से प्रभावित होती है, और यहाँ पे जो कीमत निर्धारित होती है अति दीर्घकालीन कीमत निर्धारित होती है। अब हमने समय तत्व को समझ लिया है, अब हम देखेंगे कि जैसे अति अल्पकाल है तो उसके अंदर जो है बाजार कीमत किस तरह से निर्धारित होती है। देखो बाजार जो कीमत होती है, जब भी हम बाजार में जाते हैं तो उस वक्त जो कीमत पाई जाती है वो बाजार कीमत होती है, और बाजार कीमत बदलती रहती है। जैसे सुबह हम सब्जियां लेने जाते हैं तो उसका रेट कुछ और होता है, दोपहर होता है तो कुछ और होता है, इवनिंग होती है तो कुछ और होता है। तो बाजार मूल्य एक निश्चित समय पर प्रचलित होता है, बाजार कीमत मांग से प्रभावित होती है, और यहाँ पे जितना स्टॉक होता है उतनी ही पूर्ति हम कर सकते हैं। यदि अति अल्प काल में मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, यदि मांग घटती है तो कीमत घटती है। तो यहाँ पे अति अल्पकालीन के अंदर जो बाजार कीमत का निर्धारण है वो हम दो सिचुएशन में समझेंगे, पेरिशेबल गुड्स, नाशवान वस्तुएं जिनको हम स्टॉक करके नहीं रख सकते, और दूसरी जो है टिकाऊ वस्तुएं। देखो जो नाशवान वस्तुएं होती हैं वो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, जैसे हमने सब्जियां ली हैं, फल लिया है, दूध लिया है, तो ज्यादा देर तक हम इनको स्टॉक नहीं कर सकते। उन वस्तुओं को भी नाशवान कहा जाता है जिनका फैशन जल्दी समाप्त हो जाता है, फैशनेबल कपड़े, फैशनेबल जूते इत्यादि। देखो इन वस्तुओं की जो पूर्ति होती है एक समय के अंदर स्थिर होती है, यदि मांग बढ़ जाती है तो पूर्ति को तो हम बढ़ा नहीं सकते, यदि मांग घट जाती है तो पूर्ति में कमी नहीं कर सकते, इसलिए कीमत पर मांग का प्रभाव ज्यादा होता है। यदि मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ जाती है, अगर मांग कम होती है तो कीमत कम हो जाती है। इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। देखो यहाँ पे आपने लेनी है UX पे हमने लेनी है क्वांटिटी मात्रा, इधर हमने लेनी है कीमत। तो ये हमारा सप्लाई कर्व है जो कि वाई एक्सिस के समानांतर है। तो यहाँ पे ये हमारी डिमांड है, तो यहाँ पे हमारी जो संतुलित प्राइस है वो है पी। अब देखो सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते, इवन जीरो पे भी जो होती है हम सप्लाई कर रहे होते हैं पेरिशेबल गुड्स के अंदर, अगर हमारी डिमांड बढ़ के D1 D1 हो जाती है तो वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम बिंदु E1 हो जाता है और प्राइस हमारी जो है OP1 है, बढ़ जाती है। उसी तरह अगर हमारी डिमांड कम हो जाती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो प्राइस है वो कम होके OP2 हो जाती है। यहाँ पे सप्लाई जो होती है स्थिर होती है, मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ जाती है और मांग कम होने पर कीमत कम हो जाती है। उसी तरह हम देखते हैं ड्यूरेबल गुड्स। देखो ड्यूरेबल गुड्स को हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं, जैसे फ्रिज है, कपड़े हैं जिनको हम काफी लंबे समय तक संग्रह करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिजर्व प्राइस होती है जिसको आरक्षित कीमत कहा जाता है। तो ये फर्में जो होती हैं बाजार के अंदर तभी लेके आती हैं जब इनको आरक्षित प्राइस या उससे ज्यादा कीमत मिलती है, इसके नीचे वो नहीं बेचती। तो सप्लाई को ये एक सीमा तक बढ़ा सकती हैं, उसके बाद सप्लाई जो होती है यहाँ पे भी स्थिर हो जाती है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखो लेबलिंग करनी बहुत जरूरी है। OX पे क्वांटिटी लेते हैं, OY पे हम प्राइस लेते हैं। तो ये हमारा सप्लाई कर्व है जो पहले इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके ये स्टेबल हो जाता है। तो हमारी जो प्राइस है, देखो ये जो है हमारी रिजर्व प्राइस है, OS से नीचे हम नहीं सेल करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी डिमांड D1 है तो हम OQ1 माल लेके आते हैं, अगर हमारी डिमांड D2 है तो वहां पे हम OQ2 लेके आते हैं। D3 डिमांड होती है तो हम सारा माल लेके आते हैं, वहां पे प्राइस फिक्स होती है OP। उसके बाद चाहे जितनी मर्जी जो है बेसिकली मतलब क्या कहते हैं डिमांड बढ़ जाए, तो वहां पे क्या होता है कि सप्लाई जो होती है उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जैसे जैसे मांग बढ़ती जाती है वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है। OS जो है आरक्षित मूल्य है, रिजर्व प्राइस है, जिसके नीचे जो है विक्रेता बेचेगा नहीं। जब D1 डिमांड है तो OQ1 लाएगा और कीमत OP1 होगी। जैसे जैसे मांग बढ़ती जाएगी तो पूर्ति बढ़ाता जाएगा एक सीमा तक। जब मांग D3 है तो वो सारी की सारा मात्रा ले आएगी। अगर मांग बढ़ती है उसके बाद तो वो पूर्ति को नहीं बढ़ा सकता, लेकिन कीमत जो है बढ़ जाएगी अगर मांग बढ़ जाती है। अल्पकाल शॉर्ट पीरियड, देखो जो अल्पकाल होता है जिसके अंदर जितनी हमारी उत्पादन क्षमता होती है उस तक हम स्टॉक, उस तक हम अपनी पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो कीमत निर्धारित होती है उक्त समाने कीमत होती है, ये अल्पकाल के अंदर निर्धारित की जाती है। यहाँ पे अल्पकाल के अंदर जो उद्योग होते हैं मौजूदा क्षमता तक अपनी पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। देखो जब फर्में जो होती हैं उत्पादन करती रहती हैं, क्योंकि अगर वो उत्पादन बंद कर देती हैं तो उनको फिक्स्ड कॉस्ट का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। अल्पकाल में यदि कोई फर्म उत्पादन बंद कर देती है तो उसे स्थिर लागत का घाटा उठाना पड़ता है, तो इसलिए फर्में जो होती हैं उत्पादन करती रहती हैं। और उसी तरह उद्योग का अल्पकालीन पूर्ति वक्र जो होता है अति अल्पकालीन पूर्ति वक्र की तुलना में ज्यादा लोचदार होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेबलिंग करनी जो है बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं। तो ये हमारा सप्लाई कर्व है जो कि पॉजिटिव स्लोप है, जिसमें ये कि हम सप्लाई जितनी कैपेसिटी उस तक बढ़ा सकते हैं। तो D1 D जो है इसको P बिंदु पे, इस E बिंदु पे कट करती है, तो OP प्राइस जो है संतुलित प्राइस है। इसके बाद देखो क्या है कि अगर हमारी डिमांड D1 होती है तो हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं कैपेसिटी तक, तो हमारी OQ1 सप्लाई है और प्राइस बढ़ के OP1 हो जाती है। और अगर क्या है कि हमारी डिमांड कम हो जाती है, D2 हो जाती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं E2 बिंदु पे संतुलन होता है और हमारी क्वांटिटी कम होके OQ2 हो जाती है और प्राइस कम होके OP2 हो जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि दीर्घकाल के अंदर जो प्राइस निर्धारित होती है उसको हम नॉर्मल प्राइस कहते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जितनी मांग होती है उतनी पूर्ति हम कर सकते हैं, तो पूर्ति का प्रभाव ज्यादा होता है। दीर्घकालीन में सामान्य कीमत कायम होती है, इसे दीर्घकालीन कीमत भी कहा जाता है। सामान्य कीमत जो होती है, जो नॉर्मल प्राइस होती है, मांग की तुलना में पूर्ति से अधिक प्रभावित होती है। यहाँ पे सभी उत्पादकों को सामान्य लाभ मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। सामान्य कीमत वो कीमत होती है, इसके निर्धारण की प्रवृत्ति तब प्रकट होती है जब मांग और पूर्ति की शक्तियां परस्पर एक दूसरे के समान होने का पूरा पूरा समान मिलता है। इसका मतलब होता है कि जितनी मांग बढ़ती है या घटती है तो उसके मुताबिक हम पूर्ति को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई। यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं। तो ये ई बिंदु जो है संतुलन का बिंदु है, यहाँ पे जो प्राइस निर्धारित होती है वो है OP। अब देखो किसी रीजन की वजह से क्या होता है कि हमारी प्राइस बढ़ के OP1 हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो डिमांड है वो है OQ2 और सप्लाई जो है हमारी M है। तो यहाँ पे हमारी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हमारी प्राइस कम होके OP हो जाएगी। और अगर किसी कारणवश
हमारी जो प्राइस है वो कम होके OP2 हो जाती है, तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारी जो डिमांड है वो है Q1, और जो हमारी वहां पे सप्लाई है वो है N। तो हमारी सप्लाई कम है, डिमांड जो है ज्यादा है, तो मांग बढ़ के OP हो जाती है। मांग और पूर्ति जहां पे एक दूसरे को काटते हैं वहां पे संतुलन कीमत निर्धारित की जाती है। मान लीजिए कीमत P1 तक बढ़ जाती है तो मांग जो होती है वहां पूर्ति से कम है, तो स्वचालित रूप से प्राइस गिर के OP हो जाएगी। और यदि कीमत किसी कारणवश OP तक गिर जाती है तो पूर्ति मांग से कम है, तो कीमत खुद ब खुद OP पर स्थिर हो जाएगी।